ये जो रास्ता देख रहे हैं ये पहाड़ का जो है वो पहाड़ जाने के लिए रास्ता है, जा रहा हूँ। पार्क आते हो, पार्क आने के बाद यहाँ मज़े भी करते हो, एंजॉय कर, लेकिन ये जो सब कचरा जमाते हैं और डस्ट क्रिएट करता है वो जो भी रैपर होता है उसको आप लेके कोई भी पर्टिकुलर जगह पर फेंकना चाहिए, यहाँ वहाँ मत फेंकना चाहिए, पूरा गंदा होता है, कचरा होता है, तो इसको थोड़ा फॉलो करिए। पार्क आपके लिए बना है, आप अगर इसको गंदा करो तो फिर इसको सुधारेगा कौन, ठीक है। यहाँ पर हर जगह डस्टबिन रखा हुआ है लेकिन आप इसको यूज़ करिए। अभी मैं ऊपर आया हूँ लेकिन यहाँ पर एक अनसेफ है, ये हिल रहा है, धूप है। अभी ऑलरेडी टाइम हुआ है 12:15 है। देखिए पूरा भुवनेश्वर यहाँ से दिख रहा है, लगभग भुवनेश्वर का आधा हिस्सा यहाँ से दिख रहा है, देखिए। और यहाँ से मेरा घर तो नहीं दिखे, हाँ हो रहा, मेरा घर दिख रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ओके। तो फ्रेंड्स जो मेरा घर है ये देखिए, ये जो घर दिख रहा है ये चाचा का घर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए ऊपर में है जो हाई वोल्टेज का पावर्स गया है यहाँ पर, ये थोड़ा अनसेफ है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पर ज़्यादा समय रहना नहीं है। और दिन में चलो आप आए ठीक है, लेकिन रात को यहाँ आना अनसेफ है। तो यहाँ पर एक रेस्ट रूम दिया है, हो सकता है यह रेस्ट रूम हो या कोई स्नैक्स का कैंटीन वगैरह हो, बन रहा है तो पता नहीं मुझे, लेकिन मैं गेस करके बता रहा हूँ कि यहाँ पर शायद रेस्ट आदमी रेस्ट लेंगे या कुछ ऊपर स्नैक्स टी का प्लानिंग किया जा रहा है, उसी के लिए होगा शायद कैंटीन टाइप का, और जो होने के बाद ही मालूम पड़ेगा, तो अभी मुझे पता नहीं, मैं गेस करके आपको बता रहा हूँ। ये देखिए मंदिर है, यहाँ से अभी आपको दिख रहा होगा मंदिर। ये नीचे जाने के रास्ता है, ये तो नीचे जा रहा हूँ मैं, काफ़ी पूरा जो गया था मैं वो टॉप था और वहाँ पर रास्ता नहीं है ऊपर जाने के लिए, तो अभी ये नीचे आ रहा हूँ। ये देखिए जो कैंटीन के बारे में बात कर रहा था ये है, मैं अभी ऊपर गया था, ऊपर से नीचे आया, काफ़ी हाइट है और ऊपर बहुत धूप भी हो रहा है, तो फिर अभी जो स्टेशन तक राइट साइड यहाँ से जाते हैं, फिर उस तरह क्राउन पूरा लेके मैं घर की तरफ निकल जाएंगे, ओके। तो चलिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा पिच है, स्पोर्ट्स है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर टेनिस, लॉन्ग टेनिस और फुटबॉल खेलने के लिए भी यहाँ पर है, तो ये पहले नहीं था, अभी मैं जब था तब कोर्स कर रहा तब ये नहीं था, अभी ये हो गया है, अभी ये हुआ है, और बहुत ही अच्छा है, ये खेलने के लिए है बच्चे लोगों के लिए, देखिए बहुत ही बड़ा फील्ड है।
धूप हो रहा है, लेकिन धूप है लेकिन इतना कड़क धूप नहीं है जो कि परेशान लगेगा। लेकिन प्यास लग रहा, पानी बोतल में हर बार भूल जाता हूँ, इस बार भी भूल गया। फ्रेंड्स, तो दोस्तों आपको कैसा लगा? काफ़ी घूम लिया मैं बुद्ध पार्क। पहले तो यहाँ से निकला गया और जो पहाड़ के ऊपर वो नया बना है, जब मैं था यहाँ पर कोर्स मतलब सीडीस में जब कोर्स कर रहा तब यहाँ पर वो नहीं था, डेवलप नहीं हुआ था, तब ये बन गया। तो मैं देखने गया था ऊपर, फिर वहाँ से नीचे आया उधर जहाँ पर योगा सेंटर है, योगा सेंटर मैंने आपको दिखाया। फिर उसके बाद फ्री जिम एक था, जिम भी मैंने आपको दिखाया। फिर बच्चे लोगों के लिए खेलने के लिए झूला वगैरह था, उसको भी मैंने आपको दिखाया, जो जो बुद्ध पार्क में है मैंने आपको दिखाया। फिर अंदर एक पॉन्ड है, जो मछली है वहाँ पर, बहुत ही बड़ा तालाब है, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन पार्क अंदर है और उसमें भी मछली है। शाम को अगर आप आते हो तो उसमें देखिएगा, मछली को लोग खाना खिलाते, दाना देते हैं खाने के लिए। लेकिन एक मेरे से गलती हो गया,
एक भाई ने मुझे वहाँ पर, मैंने उनका बेटा का वीडियो बनाया था, लेकिन वो क्या हुआ ना, स्पीड मोड में चले गया, तो वीडियो अच्छा से नहीं बन पाया। तो एक्सट्रीमली सॉरी भाई, अगर आप मुझे देख रहे हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने बाबू का वीडियो किया लेकिन वो फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मेरे से नंबर लिए हो, मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं दिखाऊंगा कैसे गलती हो गया मेरे से। तो दैट्स आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन फिर से मैंने गया, फिर से अच्छा से बना के आया, लेकिन उस टाइम तब आप बाहर चले गए थे, मैंने आपको वीडियो नहीं बना पाया। ओके, तो आपको कैसा लगा ये जो बुद्ध पार्क का विजिट, शॉर्ट विजिट मैंने किया आपको दिखाने के लिए कोशिश किया, तो आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करिए, मैसेज करिए कि हाँ अच्छा लगा, और अगर आप बुद्ध पार्क पहले आए हो तो मुझे मैसेज करिए कि हाँ मैं आया हूँ, और ये इसका लोकेशन कहाँ, मतलब इसका जो पर्टिकुलर लोकेशन, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे लोकेशन का, तो देखिएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड बाय।